बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं उस जात के बाबरकत नाम के साथ। अच्छा, ये हमारे कामी भाई हैं, ये कह रहे थे कि लास्ट वीलॉग में आप हमें मिस कर गए हैं, सॉरी हम इन्हें मिस कर गए हैं, तो इस वीलॉग में ये हमारे साथ हैं, तो इनको हमने शोग्राम दिखाना है। असल में ये वीलॉग इस भाई, छोटे भाई के लिए है, ये हमारा एडिटर है, और ये उज़ैर साहब हैं, ये हमारे पक्के इंशाल्लाह वाले पक्के वीलॉग में होंगे। ये मोइन भाई हैं, ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, एंड दिस इज और खलील ये खलील भाई, ये खलील भाई हैं। अरे ठीक हो गया, तो चलें अटक से आज आगाज करते हैं। लाल नहीं है क्या? ओ सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं, ये जुनैद भाई हैं, और ये हमारे, मैं इनके दारे का नाम नहीं ले सकता, बस ये बहुत ही वो वाले। तो चलें यहाँ से अभी हम अपना ट्रैवल स्टार्ट करने लगे हैं। इंशाल्लाह आपको जाके आगे जहाँ भी स्टॉप करेंगे मिलते हैं। तो जनाब, इस वक्त हम पहुंच गए हैं तकरीबन एबटाबाद की टर्मिनल क्रॉस कर रहे हैं। सो फाइनली वेलकम बैक। अभी हम पहुंच गए हैं नाश्ता करने के लिए, एक जगह पे रुके हैं रास्ते पे। निसार भाई क्यों तपे हुए हैं आप? व्लॉग तो बना नहीं। निसार सर तपे हुए हैं जी, इनका व्लॉग नहीं बना यार, मालिक को गाड़ी से भगा दिया है। ये देखो, चले जी अब आप अपनी गाड़ी चलाएंगे और मैं आपका व्लॉग बनाऊंगा साथ। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक हो गया जी। नाश्ता भी आ रहा है। खलील किधर गया? तो जी जनाब, हम पहुंच गए हैं बालाकोट, और बालाकोट के चने गरम गरम और बालाकोट के पराठे। नाश्ता कर लिया इधर से, कैसा लगा आपको नाश्ता? गुजारे था। अच्छा है, अच्छी थी। बालाकोट में हमने स्टे किया है अभी, और बालाकोट में नाश्ता किया है, और नाश्ते के बाद अभी हम आगे बढ़ेंगे कवाई, और कवाई से फिर शोग्रान, और शोग्रान से फिर वापस। ये इस वक्त हम मौजूद हैं कुवाई में, और यहाँ से भी जीप में बैठ के हम जाएंगे शोग्रान। सो अभी हम पहुँच गए हैं जी उस जगह पे जिधर हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके, और इधर जीप्स हैं उन पे हम जाएंगे ऊपर। तो पहली बर्फ़ मैंने उठा ली है, वाह वेरी सेटिस्फाइंग। ये यार ये बहुत प्यारी आई है। जिस टूर में हमारे साथ कामरान साहब होते हैं ना, यार लोग आते हैं व्यूज देखने, एंजॉय करने, तस्वीरें बस तस्वीरें ही बड़ी होती हैं। दोनों चीजों के साथ अपने भी कुछ यादें छोड़नी चाहिए। ये गाड़ी है जी, और ये भाई कहते हैं कि मैं आपको बचाऊंगा इंशाल्लाह एक ही गाड़ी पे। तो चलें ट्राई करते हैं इंशाल्लाह, और पहुंच के आपको दिखाते हैं रास्ता, बल्कि आपको दिखाते हैं सबसे ज्यादा मजा रास्ते में आने वाला है। ब्लॉगर भाई हमारे, दूसरे ब्लॉगर मेरे उस्ताद। अच्छा, ये स्टॉप है अभी रास्ते में, आगे रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है, तो ये भाई कह रहे हैं कि जी हम चैन लगाएंगे टायरों के साथ, और इन लड़कों को हमने मना कर दिया कि आपने उतरना नहीं नीचे, खास कर खलील को मना कर खलील को मना किया है। और ये जी ड्राइवर साहब हमारे, चैन लगाएंगे अभी जीप को ताकि जीप स्लिप ना करे, क्योंकि आगे सारा स्लिपरी रोड है। ये रास्ता जो है वो बहुत ख़तरनाक है, पीछे आप देख सकते हैं बर्फ़ है, स्लिपरी है। तो जीप के चैन लगाने के बाद हम यहाँ से अपना सफ़र दोबारा शुरू करेंगे, और ये हमने अपना दोबारा सफ़र शुरू कर दिया।
जी जीपे फंसी हुई है शोगरान के रास्ते में, जीपे ऐसे फंसी हुई है जैसे काम ही मेरे स्टूडेंट के बीच में फंसा हुआ। This is Shogran brothers. बहुत ही खूबसूरत मंजर आपको अभी इस क्लिप के बाद दिखाएंगे शोगरान का। ये वो प्रजाति है, इस प्रजाति को आप गौर से देख लें, ये बहुत कम मिलती है। ये आपको ऐसे जंगलों में बर्फ पोश पहाड़ों में किसके बारे में? फाइनली अभी हम पहुंच गए और मैं आपको यार नहीं बता सकते क्या मतलब मैं बताऊंगा। गजब बेइज्जती है, बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही प्यारी। कलाम से प्यारी है यार, देखो हर जगह की अपनी खूबसूरती होती है, किसी जगह को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। मुझे तो कलाम की अपनी खूबसूरती है, इसकी अपनी खूबसूरती। वो देखें सामने, आपको दिखाते हैं। ये भी अभी वैसा नजर नहीं आ रहा जैसा हमें आंखों से नजर आ रहा है, कैमरा नहीं कैप्चर कर पा रहा है। एक मिनट, इसका मुंह भी आ जाएगा। कर रहे हैं शोगरान को, ये अभी एक गेम खेलने लगे हैं यहाँ पर। उस गेम यार सफर कर जाओ, अभी गेम स्टार्ट नहीं हुई। उस गेम का नाम है बर्फ मारू। अच्छा यार, आप जी लाल बताया बर्फ मारू गेम जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया, ये सब क्या है? उसमें ये खिलाड़ी को बर्फ मारनी है, हमने इजाद किया है ये गेम। बड़ी आसानी है, सिर्फ बर्फ ये उठा के ये यूं मार देनी। गोला नहीं इसने मारी, इंसान मार रहा है। खलील आप किस टीम से हैं जी? टीम ए का कैप्टन। आप किस टीम से हैं जी? टीम ए। अच्छा जी, आप किस टीम से हैं? टीम बी। आप टीम बी से हैं। अभी हम घूम रहे हैं जी, ये भाई को से आप भी आ जाओ यार, वो सोना किया करो यार तू। और हमें पता नहीं हम किधर जा रहे हैं यार, किधर हो जा परेशान ना लेके पैर मारे बीच। अभी हमें पता नहीं हम किधर जा रहे हैं निसार भाई। सामने का हम ग्रीनलैंड की छत की तरफ जा रहे हैं, शोगरान वैली है ये। अच्छा, आपको इधर भी दिखाते हैं खूबसूरत शोगरान की इस खूबसूरत वैली में हम मौजूद हैं। खूबसूरत एरिया है विंटर्स के लिए, तो जो लोग इस्लामाबाद या उसके करीब रहते हैं उनके लिए एक वन डे ट्रिप हो सकता है, क्योंकि नज़दीक है बहुत ज़्यादा। यहाँ 4-5 घंटे की ड्राइव है और आप आके इस पॉइंट को एंजॉय कर सकते हैं। खूबसूरत पॉइंट है, खूबसूरत
प्लेस है ये एकदम देर हो गया सर, मैं हो गया सर, और एकदम से स्नोफॉल भी हो जाती है इधर, हो जाती है ये वो अल्लाह ताला की तरफ से स्नोफॉल नहीं है, स्नोफॉल है। तो एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह इस प्लेस को, खूबसूरत प्लेस है फॉर विंटर्स। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ विंटर्स में, समर में बहुत दफ़ा आ चुका हूँ और हमने काफ़ी इस प्लेस को इंजॉय किया है। हम आपको भी रिकमेंड करेंगे कि अगर आपके साथ कोई आफस दोस्त है उसको मत लाएं, क्योंकि उसने आगे पीछे अपने घूमना होगा। सॉरी ये हमारा एक आफस दोस्त है, ये इन्होंने कल बाकायदा इजाजत ली है, नाराज हो जाएगा, इजाजत ली है, पांच बंदे पाल के तुम वीडियो में। अच्छा तो ये शोगरान को हमने काफी इंजॉय किया है ये ट्रिप, हमने इनमें हमारे कोई नए दोस्त है जिन्होंने फर्स्ट टाइम शोगरान आए हैं, जिसमे से आफस साहब फर्स्ट टाइम आए हैं, रेहान साहब फर्स्ट टाइम आए हैं, उजैर फर्स्ट टाइम आए हैं, जुनेद फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं और कामी ख्वार हैं। तो हमारे चैनल ट्रैवल विद निसार को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और घंटी को टन 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 लाजमी कीजिएगा, लाइक भी करना वीडियो को। हमारा व्लॉग अभी यहाँ पे एंड नहीं हुआ, ये अभी इधर शोगरान हमने एंड किया है, मींस के ये जो लोकेशन है इससे हम जा रहे हैं आगे, अभी खाते पीते हैं, कोई जाके चाय शाय पीते हैं, कोई मतलब रिफ्रेशमेंट करते हैं, व्लॉग अभी चल रहा है हमारा आगे। अब ये ना समझना कि व्लॉग एंड हो गया, क्यों निसार भाई, ठीक है व्लॉग नहीं एंड होगा, ये लें जी। जी वापसी हो गई हमारी बालाकोट, बालाकोट का मौसम हो गया है अबर आलूद, धूप निकली हुई है, सामने पहाड़ों पे बादल हैं, अभी ठंड यहाँ कुछ कम है, यहाँ हम पियेंगे चाय, चाय के साथ कुछ हल्का सा लाइट सा पकोड़े या समोसे जो कामरान भाई हमें खिलाएंगे, जिन्होंने वादा किया हुआ है, ऐसा ही है ना कामी भाई, ये बताएंगे नहीं खिलाएंगे, ये बाबी जब हम खाएंगे तब बताएंगे आपको। भाइयों हम इस वक्त मौजूद हैं बालाकोट में और यहाँ से हमने पीनी है चाय, और चाय पीने के बाद फिर हम अपना सफ़र दोबारा मानसेरा की तरफ जारी रखेंगे। तो यार इतनी भूखी आवाम आपने पहले नहीं देखी होगी, पकौड़े समोसे खा पी के चाय शाय पी के वीडियो ही नहीं बनाई हमने, क्रेडिट गोज टू कामी भाई, कैंसल हो गया भाई, नहीं जुर्माना, 5000 का चेंज नहीं था उनके पास, चले जी कैंसल हो गया, और अभी हम आपको मिलते हैं अटक शनवारी पे। तो ये जी हम वापसी, बस आपने डिस्ट्रिक्ट में तो एंटर हो गए थे और करीब है, थोड़ा सा रास्ता रह गया। सो फाइनली वेलकम बैक इन अटक, अभी हम अटक पहुंचे हैं, थोड़ी सी देर हुई है, और जैसा कि आपको बताया था कि हमने रास्ते पे ऑर्डर दे दिया था, अभी हमारा खाना तैयार है सही है और दस्तरखान पे आपको मिलते हैं। हम आ गए हैं एक ही कढ़ाई आई थी पहले, उसकी कढ़ाई भी आ गई है, निसार भाई ने पहले नवाला तैयार करके रखा है, भूख लगी हुई है यार, नवाला क्या तैयार करना, खत्म करते हैं, अल्लाह।